मोदी सरकार ने जो है जब से इस श्रम को लॉन्च किया जो है बहुत सारे लोगों ने अच्छी खासी कमाई की। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि जो है बहुत सारे लोग जो है कमाई नहीं कर पा रहे हैं। जब वो साइन अप करने जाते हैं जो है अपना जो है ई श्रम कार्ड बनाने जाते हैं तो वहाँ पे ओटीपी का प्रॉब्लम होता है, उन्हें जो है ये ओटीपी आता नहीं, उनके मोबाइल पर ओटीपी आता ही नहीं है। हमने भी काफ़ी दफ़ा जो है ट्राई किया, उसके बाद जो है ओटीपी नहीं आया, मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। बट यहाँ पे इस वीडियो में आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला जिसकी हेल्प से जो है जिसकी सहायता से आप बिना ओटीपी के, मैं फिर से रिपीट कर दूँ, बिना ओटीपी के जो है किसी का भी जो है आप बना सकते हैं ई श्रम कार्ड, बिना ओटीपी के आप बना सकते हैं। इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूं। उससे पहले आपसे गुजारिश है, यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके खाते में जो है ई श्रम कार्ड का जो है पैसे आया, बैलेंस आया या फिर नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यहाँ पे आपको बता दो जो है यदि आपके मोबाइल पर जो है ओटीपी नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं दोस्त, जो है आपको करना बस इतना है जो है आपको जो है अपने कंप्यूटर पर जो है लैपटॉप से या फिर जो है कंप्यूटर से करना है। ये कार जो है सिर्फ लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से होगा, मोबाइल में बहुत ज़्यादा कम उम्मीद है ये ट्रिक काम करे, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए आपको करना क्या है जो है, सबसे पहले आपको जाना है गूगल क्रोम में, आपको अपने कंप्यूटर में या फिर जो है लैपटॉप में जो है गूगल क्रोम जो है ओपन कर लेना। वहाँ पर आपको सर्च करना है जो है ई श्रम कार्ड, जैसे आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे जो है जहाँ पर आप नंबर इंटर करते हैं जो है नंबर वंबर इंटर कर दीजिए, उसके बाद जो है आप पहले वाले ऑप्शन में जो है एक ऐसा ओटीपी एक ऐसा नंबर चॉइस करें जो कि चल रहा हो, वो तो ओटीपी इसी तरीके से आ जाता है, लेकिन आधार वाला जो ओटीपी होता है वही ज़्यादातर जो है देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जो है आपको वहाँ पे ये करना है जो है आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलता है, एक ओटीपी का मिलता है, दूसरा रेटिना स्कैनिंग का मिलता है, मतलब आँख को जो है स्कैन करके जो है आप बना सकते हैं ई श्रम कार्ड, और तीसरा जो ऑप्शन देखने को मिलता है जो है आप ये कर सकते हैं कि जो है आप फिंगरप्रिंट के थ्रू जो है आप बायोमेट्रिक के थ्रू जो है आप ई श्रम कार्ड बना सकते। तो आप इन तीन ओटीपी काम नहीं कर रहे उसको छोड़ दो, बट फिंगरप्रिंट काम करेगा हमेशा के लिए। तो आपको जो है एक डिवाइस ऐसा ख़रीदना है, उसके बाद जो है आप लोगों को जो है इस श्रम कार्ड बना के जो है पैसे कमा सकते हैं। आपको यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देना था। वैसे वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको इसी तरह का जो है अप टू डेट